बहुत स्वागत है आपका बीबीसी के इस विशेष डिस्कशन में जो आम तौर पर हर वर्ल्ड कप में होता है, कई जगहों से होता है। ऑस्ट्रेलिया से हुआ है, मोहाली से हुआ है, श्रीलंका से हुआ है, लंदन से हुआ है 2019 से, और अब 2021 में दुबई से हो रहा है। और हमारे खास कुछ मेहमान हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, सबसे एक एक करके उनका आपका तारुफ कराएंगे। सबसे पहले सुधीर, जो आज से नहीं है, उनको शायद कोई ऐसा क्रिकेट फैन नहीं है जिसने टेलीविजन ना देखा और उसने इनको ना देखा। सुधीर स्वागत। बस ये T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ करने के लिए, टीम इंडिया को जीत के लिए आए। हमें पूरी उम्मीद है कि 2007 की जीत टीम इंडिया करेगी रिपीट। सात के बाद करेगी टीम रिपीट? 2007 की जीत टीम इंडिया करेगी रिपीट। 2007 की जीत टीम इंडिया करेगी रिपीट, ये नया स्लोगन है सुधीर का। हाँ जी। और कुछ और भी हमारे मेहमान हैं जो हमसे लगातार हर वर्ल्ड कप में उनसे मुलाकात होती है। चाचा कैसे हैं, अमेरिका के क्या हाल है? हमने कोरोना में तो तब की हालत खराब है जी, अल्लाह रहम दले। इन्होंने क्या रिपीट करेंगे, हम पुरानी बातें भूल गए, कल इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। बट आई लव धोनी। बट यू लव धोनी, हमें पता है। आपसे मुलाकात 2 साल बाद हो रही है, कैसा करोना? हाँ कोरोना, कैसा मंजर था? अमेरिका में रहते हैं आप, कैसा मंजर था इस दौरान वहाँ पर? अच्छा नहीं था साहब, सन्नाटा छाया हुआ था, खौफ था, हर मोहल्ले में मौतें हो रही थी। तो फिर तो ये अभी हम निकले, बहुत बड़ी बात है। इवन मेरी बीवी का ऑपरेशन हुआ पाऊँ था, फिर भी उन्होंने बोला जाओ इन्जॉय करो, बड़ी बात है, बड़ी बात है। और चलिए क्रिकेट होता रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट गेम के लिए। सुधीर क्या लग रहा था कि T20 वर्ल्ड कप होगा कि नहीं होगा, आप यहाँ आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे? मैं मुझे याद है कि मैं सिंपल सीरीज के लिए 2018 में ऑस्ट्रेलिया गए, तो ये मैच 19 में T20 ऑस्ट्रेलिया में भी होनी थी 2020 में, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये इंडिया को भी समर्पित किए गए, इंडिया फिर न माने। लास्ट में ये 2021 की जरा में ख़त्म हुई और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये T20 वर्ल्ड कप 2007 की जीत टीम इंडिया करे रिपीट। सात की जीत का एक तरह से रिपीट करना चाहते हैं सुधीर। चाचा का मानना है कि वेलकम बैक धोनी, वेलकम बैक धोनी। गरीब निवास शिकागो का ये एक मानना है कि इस बार पाकिस्तान जो है वो करेगा जो अभी तक। दुआ है, दिल से दुआ है, क्योंकि मैं पाकिस्तानी बहन हूँ, बीवी इंडियन है, तो दोनों तरफ से मैं हैप्पी हूँ, लेकिन दुआ है तो एक बार पाकिस्तान जीत जाए। और मेरा मैं एक और कहना चाहूंगा, जैसे अब चाचा के सीने पे लिखा हुआ वेलकम बैक धोनी, तो याद होगा कि महेंद्र सिंह धोनी वही कैप्टनशिपी में 2007 साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जीती थी, आज वही टीम इंडिया का मेंटोर के रूप में है, तो हम चाहेंगे कि वही जीत करे रिपीट चाचा। मैंने आपको क्या बोला, देश में गंदा बहती है, देश की मेरी बीवी है, बीवी जीतता है या मैं जीतता है? आपका तो ससुराल है भारत, ससुराल भारत, उनसे पंगा ले नहीं सकते, बीवी से कौन पंगा ले। क्या लिख लिया, वेलकम बैक धोनी, धोनी 2007 करेगी रिपीट चाचा। ये ख्वाहिश है क्रिकेट इंडिया में या पाकिस्तान में होनी चाहिए, दुबई में हर आदमी दुबई नहीं आ सकता। तो फिर क्या आपको लगता है कि दुबई में क्रिकेट होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, अभी चाचा की बात से हम सहमत हैं, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि जिस प्रकार ये इंडिया में मैच हो या पाकिस्तान में हो, अपनी धरती पे हो, लेकिन दुबई, क्योंकि हर लोग तो यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे जो क्रिकेट प्रेमी है। पाकिस्तान भी हम साइकिल से गए, वहाँ भी क्रिकेट का क्रेज़ देखे, बांग्लादेश में भी गए, वो भी क्रिकेट का क्रेज़ देखे, तो जो क्रिकेट का क्रेज अपने एशिया में है वो दुबई में नहीं। लेकिन दुबई तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, और यहाँ पर जो अच्छे, मतलब बहुत सारे फैंस हैं जो पैसे की वजह से दुबई नहीं आ सकते, तो यहाँ बड़े पैसे वालों ही अगर मैच देखते हैं, तो हम चाहेंगे पुनः अपने ही धरती पर ये T20 मैच का आगाज किया। आप बताइए आपका क्या नाम है और आप यहाँ कैसे पहुँचे? मेरा नाम विघ्नेश है, मैं चेन्नई से हूँ। मैं पहुँच के 22-25 दिन हो गया, IPL दे के IPL फाइनल चेन्नई तो जीत गया, चेन्नई के सपोर्ट के चेन्नई जीत गया। जैसा बैक धोनी भी मेंटल ओके, अभी इंडियन टीम में आया, 2007 का कप लेके दिया था, जैसा अभी वो मेंटल है ना, फिर भी विराट कोहली के लिए लास्ट कैप्टनशिप के लिए वो ये कप जीत के विराट कोहली के हाथ में देगा। विराट कोहली की लास्ट कैप्टनशिप सुधीर? नहीं, मैं भी आखिरी टूर्नामेंट उनका वर्ल्ड कप का। हाँ, एज ए कप्तान उन्होंने जब अनाउंसमेंट कर दी कि ये आखिरी मेरी T20 वर्ल्ड कप है, तो महेंद्र सिंह धोनी जी एक्सपीरियंस होल्डर है, जिसे 2007 में जीती, तो मैं ये चाहूँगा कि उनकी उनकी ये T20 वर्ल्ड कप में ये ट्रॉफी देकर वो ट्रॉफी दिलाए, फिर वो अपनी T20 से कैप्टनशिप ही वापस ले। मजबूत है क्या टीम इंडिया? बहुत मजबूत है, अभी आपने दो वार्म अप मैच देखे कि 188 की चेस उन्होंने 19 ओवर में की, और दूसरी मैच 153 रन की चेस उन्होंने 13 गेंद शेष रहते हुए 7 विकेटों से जीती, तो हमें पूरी उम्मीद है कि कल की मैच भी आसान जीत होगी टीम इंडिया की। क्या लगता है आप बताइए? बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि टीम इंडिया में एक्सपीरियंस बहुत है, और सबसे बड़ा मैजिक माही का है, धोनी साहब हैं, और टीम अच्छे परफॉर्म कर रही है, बॉलर क्या, फील्डिंग क्या, बैटिंग क्या,
हर एक फॉर्मेट में हमारी टीम अव्वल है और दिस टाइम कल का मैच भी जीतेंगे और वर्ल्ड कप फाइनल भी हिंदुस्तान लेके जाएंगे। पाकिस्तान और भारत की टीम की बात करें तो रियलिस्टिकली पेपर पर क्या लगता है आपको? इंडियन टीम मजबूत है, पेपर यानी पाकिस्तानी टीम है, आजम है और दो तीन खिलाड़ी और है, तो अच्छा खेलेगा, जीतेगा। मेरी ख्वाहिहत है क्रिकेट में लोग इंजॉय करें, कोई भी जीते, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जी मैं भी नहीं चाहिए। क्या लगता है कि किसके खेलने से फ़र्क पड़ेगा, किससे खेलने से फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं, अभी तो विराट कोहली का कंपेयर बाबर आजम भी किए, उन्होंने उसकी भी अच्छी बल्लेबाजी है, लेकिन फिर भी मैं एक ही बार बोला 2007 की जीत टीम इंडिया करेगी रिपीट, बस मैं यही कहना चाहूँगा। ये शंख नहीं, ये है जंग ऐलान, टीम इंडिया सबसे महान।